डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवेलुएशन और नॉर्म रेफरेंसड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ इवेलुएशन की बात करते हैं तो दो तरह की इंटरप्रिटेशन होती हैं एक होती है नॉर्म रेफरेंड एक होती है क्राइटेरिया रेफरेंड उन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन आर टू अप्रोचेज यूज इन इवेलुएटिंग टेस्ट रिजल्ट यानी ये दो तरह की वो अप्रोचेस हैं जिसको यूज़ किया जाता है कभी भी जो टेस्ट रिजल्ट आते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए ठीक है मतलब सपोज अगर हम बात करें नॉर्म रेफरेंस की तो उससे एक तरह से इवैल्यूएट करते हैं और क्राइटेरिया रेफरेंस को यूज करके एक तरह से इवैल्यूएट करते हैं ये जो दोनों तरीके हैं ये हमें पर्सपेक्टिव देते हैं ऑन हाउ इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर्स आर इंटरप्रेटेड एंड कंपेयर टू अ लार्जर ग्रुप ठीक है फिर से सुनिए ये हमें एक पूरा डिटेल में बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट है कैसे हम उसको इंटरप्रेट करेंगे एंड कैसे हम उसे एक लार्ज ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे नाउ लेट स्टडी द यू नो उन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले है नॉम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन देखिए नॉम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है आप एक इंडिविजुअल एक पर्सन की टेस्ट प्रेफरेंस जो होती है टेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है कोई भी इंडिविजुअल ले लीजिए उसको आप कंपेयर करते हो ठीक है टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप नोन एज द नॉम ग्रुप तो देर इज अ ग्रुप इसको हमने बोल दिया ये ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है नॉम ग्रुप है और यहाँ पे एक इंडिविजुअल है आपने इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया नॉम ग्रुप की परफॉर्मेंस के साथ एंड यहां पर ना ये जो नॉर्म ग्रुप होता है इसमें वो इंडिविजुअल होते हैं जिन्होंने पहले ये टेस्ट लिया था सो so, जो पर्पस है इस टेस्ट का इट इज बेसिकली टू डिटरमाइन वेयर एन इंडिविजुअल स्टैंड रिलेटिव टू अदर हु द टेस्ट तो आपको पता है इन लोगों ने टेस्ट कैसे दिया था अब आपका ये पर्पस है कि आप इसके थ्रू पता लगा पाओगे कि ये जो इंडिविजुअल है ये कहाँ पर है एज कंपेयर टू दोस्त जिन्होंने पहले टेस्ट दिया था और वो पहले जो टेस्ट दिया था वो लोग वो वो ग्रुप 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 यानी में हम उनको यू नो के पार्ट हैं ठीक है ठीके? अब अगर मैं कहारेक्टरिस्टिक्स की बात करूं नॉम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन की पहली बात तो आपको आई होप ये समझ में आ गया हो कि इसमें करा क्या हमने एक इंडिविजुअल के टेस्ट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो कि नॉर्म ग्रुप है उसके साथ कंपेयर किया बट लेट्स टॉक अबाउट द

परसेंटेज बताता है इंडिविजुअल की नॉर्म ग्रुप में जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्कोर से ज्यादा या कम स्कोर किया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट स्कोरिंग इन द एसेंट परसेंटाइल परफॉर्म्ड बेटर देन ऑफ द नॉर्म ग्रुप यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने यू नो स्कोर किया है uh, तो यहाँ पे हम कैसे बता पाएंगे तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि उसने बाकी के जो एटी परसेंट लोग हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया है सो फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट स्कोरिंग इन एटी परसेंटाइल दे परफॉर्म्ड बेटर नॉम ग्रुप ठीक है ये आपका परसेंटाइल रैंक हो गया जो नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन जब आप इवेलुएशन करते हो तो एक तो इस तरह से हम इवेलुएट कर सकते हैं दूसरा है स्टैंडर्डाइज स्कोर जो टेस्ट स्कोर होता है ना उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टैंडर्डाइज स्कोर में जैसे कि जेड स्कोर और टी स्कोर ठीक है हमारा जो टेस्ट स्कोर है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया स्टैंडर्डाइज स्कोर Z स्कोर या T स्कोर्स में और ये जो स्कोर्स है ना ये इन्फॉर्मेशन देते हैं यानी ये स्कोर्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल स्कोर करता है फ्रॉम द मीन एवरेज ऑफ द नॉर्म ग्रुप मतलब ये जो स्कोर आ गए आपके Z और T स्कोर ये बताएंगे कि सपोज एक मीन या एक एवरेज स्कोर है सपोज एक सेकेंड ये एवरेज स्कोर है तो उस पर्सन का कितना डेविएशन है इससे मतलब कितना अलग उस पर्सन ने स्कोर किया है ये जेड स्कोर और टी स्कोर हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पूरी ये जो टेस्ट हुआ था उसका एवरेज स्कोर ये है लेकिन अगर इसको किसी भी पर्सन ने यू नो स्कोर किया तो कितना दूर है कितना डेविएट हुआ है स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ टेस्ट टेकर ये जो नॉम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन है ना ये कहाँ पे यूज होता है कॉलेज एडमिशंस में इनफैक्ट आपको पता होगा जो कैट का एग्जाम होता है उसमें भी पन्स परसेंटाइल निकलता है सो so, ये यूज होता है कॉलेज एडमिशन टेस्ट में जैसे कि एस में और ए में जहाँ पे स्कोर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस के साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है उसके साथ मतलब जो स्कोर है उसको हमने एक पॉपुलेशन के साथ एक सैम्पल के साथ कंपेयर किया है ठीक है दैट इज़ अबाउट द नॉम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन फोकस ऑन इवेलुएटिंग एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ प्री डिटर्माइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड इसने क्या बोला कि जो क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन होता है वो फोकस करता है किसी भी इंडिविजुअल को यू नो इवेलुएट करने पर पहले से जो क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे मतलब पहले से सेट है क्राइटेरिया सेट क्राइटेरिया है अब उसके कंपेरिजन में उस पर्सन ने कैसा परफॉर्म किया है वो यहाँ पे पता चलता है इस अप्रोच के अंदर फोकस है ऑन वॉट एन इंडिविजुअल नो और कैन डू रेदर देन हाउ दे कंपेयर टू अदर्स इस अप्रोच से हमें यह पता चलता है कि कैसे एक इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल क्या जानता है और क्या कर सकता है रेदर देन हाउ दे कैन कंपेयर टू अदर्स मतलब कि उस पर्सन की कितनी नॉलेज है वो और क्या कर सकता है इस पे हमारा फोकस है हमारा फोकस इस पर नहीं है कि हम बाकियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये की कैरेक्ट्रिस्टिक्स है क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन का इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं जैसे कि मास्टरी लेवल देखिए टेस्ट स्कोर जो एनालाइज होते हैं ना वो एक पहले से प्री डिटरमाइंड कैटेगरी और प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं जैसे कि किसी ने अगर अच्छा करा तो एकदम प्रोफिशियंट कम अच्छा करा तो बिलो प्रोफिशियंट सो so ये जो लेवल है ना ये इंडिकेट करते हैं वेदर एन इंडिविजुअल हैज़ मैट और सॉरी हैज़ मैट और एक्सीडेड अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया यानी ये जो लेवल्स हैं मास्टरी लेवल पे मास्टरी लेवल बेसिकली इज द डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स तो ये जो लेवल्स हैं ये बताते हैं कि इंडिविजुअल ने एक्चुअली जो जो क्राइटेरिया जो सेट है उससे अच्छा परफॉर्म करा है या उससे कम अच्छा परफॉर्म किया है ठीक है तो हम उस बेसिस पे स्टूडेंट को प्रोफिशियंट कह सकते हैं कि हाँ मतलब इसको बहुत अच्छे से लैंग्वेज स्किल्स आते हैं प्रोफिशियंट है और बिलो प्रोफिशियट मतलब कि नहीं उतना अच्छा नहीं करा जितना क्राइटेरिया है उसके हिसाब से तो ये आपका मास्टरी लेवल आ गया क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के अंदर ठीक है फिर है स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन आर टेलर्ड टू असेस स्पेसिफिक स्किल्स नॉलेज और कंपिटेंसीज आउटलाइन इन द टेस्ट ऑब्जेक्टिव और करिकुलम स्टैंडर्ड देखिए ये जो इंटरप्रिटेशंस है ना ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स को एसेस करने में काम आती है स्पेसिफिक नॉलेज को या फिर कंपिटेंसीज जो होती हैं उसको असेस करने में काम आती हैं ठीक है एम्फेसिस है यहाँ पे वेदर एंड इंडिविजुअल ऑफ प्रोफिशियन दो यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे है कि जो इंडिविजुअल है क्या उसने डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोफिशियंसी को अचीव कर लिया है क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन आर कॉमनली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग टू असेस लर्निंग आउटकम डायग्नोस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल डिसीजन तो ये जो क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन होते हैं ना ये यूज होते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर जहाँ पे आप किसी का लर्निंग आउटकम कि उसने कितना सीखा है उसे कितना आया है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डायग्नोस कर सकते हो एंड आप ये भी देख सकते हो कि जो इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस थे वो सही थे कि नहीं थे कि मतलब आपने जिस तरह पढ़ाया या नहीं किस तरह से मतलब वो सब चीज़ें आप इवेल्यूएट कर पाते हो किसके अंदर इन द क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशंस नाउ नॉम रेफरेंस इंटरप्रिटेशन का फोकस होता है इंडिविजुअल को कंपेयर करने कम्पेयर uh, करते हैं हम किसी एक ग्रुप से लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन फोकस करता है स्पेसिफिक स्किल्स पे कि उसका ये स्किल्स कैसा है क्या वो इस चीज में प्रोफिशियंट है क्या इसकी स्किल में वो थोड़ा बुरा है वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं जो चॉइस है इंटरप्रिटेशन की वो डिपेंडेंट होती है स्पेसिफिक गोल्स पे एंड कॉन्टेक्सट ऑफ द इवेलुएशन पे ठीक है जो आपकी इंटरप्रिटेशन की चॉइस है वो डिपेंडेंट है कि गोल आपका क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है इवेलुएशन का उसके ऊपर सो दैट इज़ इट इस वीडियो में हमने कवर किया अबाउट द टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन जिसमें नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस दोनों को हमने कवर किया बहुत डिटेल में आगे जाके कभी पढ़ेंगे बट अभी फिलहाल के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये दोनों टॉपिक कवर करें ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे मैं आगे अगर ये वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए साथ के साथ प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपको केवल प्लेलिस्ट में ढूंढनी है अपने लिए जो वीडियो है एंड साथ के साथ अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है और एग्जाम टाइम में आपको हेल्प मिल रही है और आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज़ बाय मी अ बुक वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक एंड इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वॉन्ट टू पे एंड बाकी अगर कोई चीज़ नहीं मिले कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी थैंक यू सो मच हैव है नाइस स्टेट आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीक